वेलकम बैक टू माँ की रसोई। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक। कैसे बनाया उसके लिए आपको ये रेसिपी देखनी पड़ेगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक भगोना लिया, आप कोई भी पुराना भगोना लीजिए, क्योंकि न्यू नया लेंगे तो थोड़ा सा आपको उसे बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए पुराना भगोना लीजिए। और उसमें आप या तो वायर्ड स्टैंड आता है जो हॉट पॉट रखने के लिए, उसको यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक बर्तन यूज़ किया हुआ है, उसको मैंने इसमें रख दिया। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी, मीन्स पहले से मीडियम फ्लेम पे मैं इसे गर्म करूँगी, इसको अवन की तरह रेडी करूँगी। आप भी एज इट इज़ ऐसा ही कीजिएगा तो आपको केक बेक करने में आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल सी रेसिपी। तो इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे हीट होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे हम, एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम एक कप शुगर पाउडर ऐड करेंगे और उसी सेम कप की हाफ क्वांटिटी हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क जो होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि शुगर है हमारे डिज़ोल्व नहीं हो जाती अच्छे से, तब तो हम इसे विस्क की हेल्प से मिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें बारी आती है इंग्रेडिएंट यूज़ करने की। तो सबसे पहले हम इसमें बटर यूज़ करेंगे, आप चाहे कोई भी एडिबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 टीस्पून बटर लिया हुआ है, आप कोई भी एडिबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के, बाकी ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर एक हम सिप्स की हेल्प से इसमें एक सेम कप जो मैंने लास्ट टाइम लिया था जिससे मैंने शुगर डाली थी वही सेम कप लेंगे, एक कप मैदा लेंगे वो, और उसमें आधा टी स्पून बेकिंग पाउडर, आधा टी स्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून हम कोका पाउडर है उसको ऐड करेंगे। और इसको हम इसकी हेल्प से छान कर डाल देंगे, इससे एरेशन प्रॉपर रहता है तो अच्छे से केक बनता है। फिर इसमें हम वनीला एसेंस भी यूज़ करेंगे, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया है, वो भी हम आधा टी स्पून ऐड करेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को अब इसकी हेल्प से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें सिर्फ मिक्स करना है, फेंटना नहीं है, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं जो कि फर्मेंटेशन के लिए का खुद का प्रोसेस करेगा, इसलिए हमें इसे फेंटना नहीं है। आधा मिनट तक इसको हमें मिक्स करना ताकि लम्स नहीं आए। इसके बाद एक हम पुराना भगोना ही लेंगे, मोल्ड हम नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल देसी तरीके से इसे बना रहे हैं। तो उसको हम ग्रीस कर लेंगे बटर के, क्योंकि बटर क्या होता है स्टिक कर जाता है भगोने पे चारों तरफ, तो आपका केक बेक होने के बाद इजीली निकल आता है। अदरवाइज आप ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो वो स्टिक नहीं होता, बह जाता है, नीचे सेट हो जाता है, तो फिर वो केक चिपक जाता है चारों तरफ से, फिर निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो कोशिश करिए कि आप जो बटर यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। फिर इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद, उस भगोने को ग्रीस करने के बाद, जो भी हमारा बैटर है जो हमने उसको रेडी किया है, एक सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी का बैटर हम उसमें पोर कर देंगे। और पोर करने के बाद हम उसे टैप कर देंगे ताकि इवनली वो सेट हो जाए भगोने की लेयर पे। और इसके बाद जो हमने प्री हीट अवन, अपना देसी अवन रेडी किया था, उसमें हम इसको रख देंगे पकने के लिए। दोस्तों ये 30 से 40 मिनट पकने के लिए लेता है, तो पेशेंस रखिए। मीडियम से लो फ्लेम पे इसे बेक कीजिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत बेक कीजिएगा। 30 मिनट तक पहले आप इसे पकाइएगा और उसके बाद आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आखिर कंडीशन क्या है हमारे केक की। हाँ, थोड़ा सा क्या है ना, देसी चीज़ें यूज़ की हैं तो थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर आया वो रफली आया, एकदम स्मूथ टेक्सचर नहीं आया, क्योंकि मोल्ड क्या होता है उसे आप साइड से खोल के आसानी से निकाल सकते हो केक। तो इसको 30 मिनट बाद मैंने चेक कर लिया है, तो देखिए चलिए देखते हैं कैसा रेडी हुआ है हमारा केक। भाई मेरा बच्चा तो बहुत देर से वेट कर रहा है, मम्मा जल्दी से बनाओ मुझे तो खाना है। आप भी इस पीरियड में कुक करना है तो उसे भी आप, और इसको मैंने ये इससे कवर इसलिए करूँ, थोड़ा सा वेटेड हो जाएगा ना तो ढक्कन इधर उधर नहीं होगा, अच्छे से वो कुक करेगा, वेक होगा।
तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं 30 मिनट के बाद। देखिए जी हाँ, अरे वाह, केक हमारा बहुत अच्छा सा यम यमी से रेडी हो गया और अच्छे से फूला भी है। तो अभी थोड़ा सा ये रह गया है, तो इसे 10 मिनट हम और पकाएंगे, कुक करेंगे, वेक करेंगे। 10 मिनट बाद अगेन हम इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे अपना केक, और एक नाइफ की हेल्प से इसमें नाइफ को हम लगा के देख लेंगे कि नाइफ में कुछ चिपक तो नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये केक तो बहुत अच्छे से रेडी हो गया, नाइफ में कुछ भी नहीं लगा। देखिए देखने में भी बहुत यम्मी और टेस्टी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा निकालने के बाद इसका जो टेक्सचर आया था, रफ आया था, क्योंकि जैसे निकालने में थोड़ा सा साइड से रफ वह हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चीज़ें आप सेट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, बिना अवन, बिना एग और बिना कोई टेक्निकल चीज़ें यूज़ करके आपने केक बेक किया है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इस तरीके से ये निकल के आया है, क्योंकि तो थोड़ा सा मैंने गरम गरम निकाल दिया था बच्चे की वजह से, तो वो थोड़ा सा टूट टूट गया था हल्का सा। आप पूरी ऐसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिएगा, उसके बाद आपने इसका टेक्सचर देखा था आपने कितना सॉफ्ट है। तो कैसी लगी दोस्तों ये रेसिपी? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सिंपल सी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।